हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं आउटलाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ। गाइस, मैं आउटलाइन गर्द मैटर यूज करके ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं इस एप्लीकेशन से गर्द मैटर यूज करता हूँ। गाइस, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए गैलरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जाके आपको फोटो कोई भी चूज कर लें जो आपको ड्रॉ करना हो। गाइस, मैं ये फोटो आज ड्रॉ करने वाला हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। यहाँ पर आपको ब्लैक और वाइट का ऑप्शन दिख जाए। यहाँ पर पेंसिल से आप ड्रॉ कर रहे अच्छे, तो आपको ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये लाइंस दिख रहे हैं, नंबर्स ऑफ रोल। यहाँ पर आपको देख लेना कि आपके पेपर कौन से पेपर पे बना रहे हैं, 4 साइज या 3 साइज। मैं 3 साइज पर ड्रॉ करने वाला, तो इस पर मेरे जो रोज हैं वो 89 है, तो मैं इस पर 18 कर लूँगा। मैंने दो सेंटीमीटर का एक बॉक्स रखा है, तो मेरे में 18 आया, तो इसमें 18 सेलेक्ट हुआ। यहाँ पर देखिए अब नंबर्स ऑफ कॉलम, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कॉलम्स में। कॉलम्स मेरे में आया है 13, यहाँ पर 13 मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको भी कर लेते हैं ओके। फिर गाइस, इसके बाद यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर देखिए स्क्वायर का ऑप्शन दिखता है, इसको ऑन कर देना। बोल लो क्या इसको ऑन नहीं करते, इसलिए उसको गड़बड़ होते। यहाँ से आपको लाइन्स के कलर चेंज कर लेने, कौन सा कलर आपको रखना है। यहाँ पर मैं ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर लिया। गाइस, आप लोग देख सकते हैं ऐसे में तो लाइन वो काफ़ी मोटी हो गई थी, इतने हमें ज़रूरत नहीं। गाइस, यहाँ पर लाइन पे जाके यहाँ पर जितने आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं एक रख रही हूँ। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं अभी हो गया हमारा एक मीटर। सेव भी कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर सेव हो गया गैलरी में आपके आ गए। गाइस, आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो करने से स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस, मैंने एक एक बॉक्स अपना जो है मैंने दो दो सेंटीमीटर का लिया है। मैंने HB पेंसिल से जो लाइन से मैंने HB पेंसिल से लाइटली पेंसिल से शेड किया, क्योंकि लाइट पेंसिल के बाद में इरेज भी करना रहता है। अब मैं यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो गाइस, आपको गिन लेना है कौन से कहाँ पर कौन से बॉक्स में कौन कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। मैं आके यहाँ से ड्रॉ करना शुरू, 1 2 3 4 यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा इसको ड्रॉ करना।